ब्रसेल्स ट्रेन स्टेशन है, ये समोर दिसतं बघा. हे ब्रसेल्स, हे बेल्जियममधलं जे ब्रसेल्स शहर आहे कॅपिटल, तिथलं मेन ट्रेन स्टेशन आहे. हे बघा, हे ब्रसेल्सचं मेन मुख्य ट्रेन स्टेशन आहे. त्याचा परिसर मी तुम्हाला दाखवतो. ब्रसेल्स सेंट्रल म्हणतात त्याला. एक्झॅक्ट त्या सेंट्रलच्या गेट समोर उभं राहून मी तुम्हाला आजूबाजूचा परिसर दाखवतोय. आणि आता त्या सेंट्रलच्या आतमध्ये जाऊन मी तुम्हाला दाखवतोय. हा झाला सेंट्रलच्या बाहेरचा गोल परिसर. ट्रैवल सेंटर का इंफॉर्मेशन ये काउंटर है. यहाँ पर यहाँ आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाएगी. और यहाँ पर सामने अभी ये टिकट विंडो है, देखो. और यहाँ पर टाइम टेबल दिया गया है, देखो, ट्रेन का. लैंग्वेज तो इनकी फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है, पर ये वही है. कौन सा प्लेटफॉर्म है, ट्रेन नंबर क्या है, कितने बजे निकलेगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन है. फ्रेंच में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, पर चलो बात वही है. मैं भी ट्रेन स्टेशन के ये सीढ़ियाँ उतर के नीचे आ रहा हूँ. ये देखो, ये सीढ़ियाँ उतर के मैं नीचे आया हूँ. ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ना, ये उतर के मैं नीचे आया हूँ. अब मैं आपको स्टेशन दिखाता हूँ. तो बहुत ही बड़ा स्टेशन है, मैं और आपको नीचे उतर के दिखाता हूँ. अभी तो मैं नीचे उतरा हूँ यहाँ के. देखो, ये देखो एक ट्रेन खड़ी है यहाँ पर. ये सारी अंडरग्राउंड ट्रेन है. ये देखो, ये अंडरग्राउंड स्टेशन है. ये देखो, ये ऊपर जो है ना वो लिखा गया है, शायद प्लेटफॉर्म नंबर, गाड़ी कहाँ जा रही हो और वक्त. यहाँ पर लिखा गया है, देखो, सेंट्रल करके लिखा गया है. देखो, यहाँ देखो इनकी ट्रेन कैसी होती है. डबल डेकर ट्रेन है, देखो. डबल डेकर ट्रेन है, देखो. ये देखो, एक ट्रेन का गेट खुलते अंदर
सीढ़ी है, देखो नीचे जाने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी है। ये डबल डेकर ट्रेन है, मैंने आपको बता रहा है, ये देखो ये डबल डेकर ट्रेन है, ये ऊपर है और ये नीचे भी बैठने के लिए जगह है देखो। और ये प्लेटफॉर्म है बड़ा, ये ब्रसेल्स सेंट्रल स्टेशन है देखो। यहाँ से गाड़ी आ रही है देखो, सारे अंडरग्राउंड स्टेशन है ये सारे। ये मेन सेंट्रल स्टेशन है ब्रसेल्स का, यहाँ से आप यूरोपियन कंट्रीज को जा सकते हो, जैसे यहाँ से आप लंदन जा सकते हो, फ्रांस जा सकते हो, या फिर आप बर्लिन जा सकते हो, या फिर आप प्राग जा सकते हो, लंदन जा सकते हो, अलग अलग जगह से यहाँ से आप ये बेल्जियम के स्टेशन से आप जा सकते हो। बहुत ही बड़ा स्टेशन है ये। À destination de Gand-Saint-Pierre et Bruges de 13h20, voie de Spoortrain, de Bicetrain, Nord, Jensen-Petersen, Bruges, en 13h20. Chalo, main aapko upar leke jata hoon wapas. मुझे सिर्फ आपका ये ब्रसेल्स का अंडरग्राउंड स्टेशन था ना ट्रेन का, वो मुझे दिखाना था। ये सेंट्रल ट्रेन स्टेशन है ब्रसेल्स का, अभी मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ सीढ़ियों से। देखो जहाँ से हम लोग नीचे आए थे अंडरग्राउंड, उसी जगह से मैं आपको वापस लेके जा रहा हूँ बाहर। यहाँ से हम लोग आए थे और ये स्टेशन देखो कितना साफ़ सुथरा, क्लीन और कितना बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। अभी मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं इतना दिखाने के लिए, पर यह बहुत बड़ा स्टेशन है, आगे भी सब तरफ से रास्ते हैं उसको। चलो मैं अभी आपको ऊपर लेके जाता हूँ। अभी मैं आपको ऊपर लेके आया हूँ, यहाँ से हम लोग गए थे ऊपर आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर आए, अभी बाहर लेके जाता हूँ मैं आपको। ये बाहर का रास्ता है स्टेशन से, जैसे आप बताते हो यह बाहर जाने का रास्ता है। ये देखो अभी बाहर आ गया हूँ मैं, ये देखो जैसे आप किसी शहर से आते हो यहाँ बाहर निकलते हो, अलग अलग गेट है अलग अलग जगह से निकलने के लिए, पर मैं जहाँ से अंदर एंट्री किया था उसी जगह से बाहर आ रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। ये देखिए राउंड कॉलर टाइप है यहाँ पर एक, और ये जैसे आप आते हो वहाँ, यहाँ सामने हॉप ऑन हॉप अप बस से लगी होती है, जहाँ से आप बैठ के जिस बस का टिकट बस में ही मिलेगा आपको, टिकट निकाल के आप पूरा ब्रसेल्स का दर्शन करा सकते हो, और ये बस आपको वापस यहाँ छोड़ देगी, फिर आप ट्रेन से फिर अपने डेस्टिनेशन पे जा सकते हो। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, बस यही रास्ता है सामने से। ये देखो मैं आपको बता रहा था ना, ये सामने ब्रसेल्स का स्टेशन, ट्रेन स्टेशन, सेंट्रल स्टेशन, और जैसे उसके बाहर निकलते हैं और ये सामने हॉप ऑन हॉप अप बस लाल दिख रही दूर से, ये आपको पूरा ब्रसेल्स का सैर कराएगी, ये वो बसेस है।